So good morning friends, welcome to PD Classes. Today a very important session for all those who want to make their career in security. I hope students, security guard ka interview bahut se bachon ka demand tha aur aaj hum jo aapke liye interview pesh kar rahe hain aapke liye bahut fruitful rahega. Dosto humne apne channel par aapko 2100 videos de rakhe hain personality development par, body language par, interviews par. Hamara dusra channel jiska naam hai interview guide, बिल्कुल उस पर भी आपके लिए ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, बॉडी लैंग्वेज पर वीडियोस अवेलेबल है. तो आप दोनों चैनल को एंजॉय करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पढ़िए. तो वेलकम मुक्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. मुक्ता, आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की कुछ क्वालिटीज के बारे में मालूम होगा, उनकी ड्यूटीज के बारे में मालूम होगा, तो बताइए कुछ प्लीज. जी सर. सर, एक सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटीज होती है उसे अपने टाइम के अनुरूप रहना चाहिए. बिल्कुल. और पब्लिक्स की मतलब उन्हें सेफ भी रखना चाहिए. राइट. यस सर. और जहाँ भी कोई भी लड़ाई हो रही है तो पिस्टल का उसी तरीके से उपयोग में लेना चाहिए ताकि कोई पब्लिक पर नाल अटैक हो जाए. बिल्कुल. तो और अदरवाइज सर मेरा मानना यही है. वेरी गुड. तो आपने जितने भी पॉइंट्स मुझे बताए, आई होप कि सबसे पहले तो इतनी स्किल होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके. और दो अच्छी बातें मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लॉ के बारे में अगर आपको मालूम है तो आप जानते हैं कि गन कहां यूज करनी और कहां नहीं करनी. इसके अलावा आपको गाइडलाइंस को फॉलो अप रखना है. जो भी आपको दिए गए गाइडलाइंस हैं आप उनको फॉलो रखेंगे, डेफिनेटली ये काम आप अच्छे से करेंगे. और अदरवाइज आपने सारे पॉइंट्स लगभग बता दिए कि डेंजर के टाइम में भी अपने आप को स्ट्रांग रखना है और ऑड आवर्स में काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे. चलिए फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा, आगे आने वाले 5 सालों में क्या सोचा आपने? जी सर, मैंने अपने करियर के बारे में सिक्योरिटी गार्ड बनकर मैंने लोगों को सेफ रखना है. वेरी गुड. खुद को फिट रखना है, उनके टाइम अपने टाइम के अनुरूप भी चलना है. और सर मैं चाहती हूँ कि अच्छे कार्य करके मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन सकूं. ओके. तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले हम सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनते हैं, और उसके बाद जैसा मुक्ता ने आपको बताया कि आप बन रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर. तो आपका 5 ईयर्स ड्रीम बहुत जल्दी आप तय करें और अच्छा कार्य करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा. Yes. अब मेरा अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है कि आपको वेपन्स चलाना आता है? जी सर, मुझे पिस्टल और गन अच्छे से यूज करनी आती कैसे है. आती है क्योंकि सर मैंने NCC का कोर्स किया हुआ है. Okay. उसका मुझे सी सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है. इसके अलावा भी मैंने अन्य कोर्सेज किए हुए हैं, उनमें टेक्निक सीखी हुई है, सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया हुआ है ताकि मैं पिस्टल और गन का अच्छे से यूज कर सकूं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा मुझे बताइए कि आप ऑड आवर्स में काम कर लेते हैं क्या? जी सर, मैंने ओवर आवर्स में वर्क किया हुआ है सर. Okay. क्योंकि मैंने मॉल्स में वर्क किया हुआ है, वहाँ कुछ मेरे कलीग्स का एक्सीडेंट हो गया था. Okay. तो वो ड्यूटी पर नहीं आ सके तो मुझे 3 डे रेगुलर वहाँ ड्यूटी करनी पड़ी. तो उस दौरान आपने अपनी नींद पर कैसे कंट्रोल किया? सर वो तो हो जाता है क्योंकि 3 आवर्स मुझे ड्यूटी, मुझे मेन था कि मैं अपनी ड्यूटी को फॉलो करूं. ओके. Yes. अच्छा मुझे बताइए आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? जी सर, सर मैं सुबह सुबह 5 बजे उठती हूं. ओके. और फिर उसके बाद रनिंग पे जाती हूं, उसके बाद जिम भी करती हूं सर मैं. Very एंड good. इवनिंग में मैं योगा करती हूं. Okay. और मैं अपनी डाइट को रेगुलर रखती हूं सर, जैसे कि एग, चिकन, बटर, मिल्क, आमंड्स, ग्राम, सोयाबीन की दाल. ओके. ये सब आप अपने इंटेक लेती हैं? यस सर. अच्छा आप गेम्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं? यस सर. किस तरीके के गेम्स खेलती हैं? सर मैं हैंडबॉल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर. वाओ, दैट्स ग्रेट. चलिए मुझे ये बताइए कि फिर आप जो गेम्स प्लेयर है तो आप ऑब्वियस है कि आप अपनी फिटनेस का तो ऑब्वियस है ध्यान रखेंगे. यस सर. क्या आपकी कभी फाइट हुई है कभी जॉब के दौरान? जी सर, मेरी फाइट हुई है सर क्योंकि कुछ गुंडे आ गए थे और मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी, उनको ईव टीजिंग कर रहे थे. ईव टीजिंग? यस सर. ओके. मेरे दोस्तों को मालूम होगा ईव टीजिंग मींस गर्ल्स को छेड़ना, बुरे बातें बोलना, कमेंट्स करना. तो मुझे काफी मैं एंग्री हुई कि मुझे वहां जाना चाहिए, उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए. तो मैंने सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया हुआ है तो मैंने अपनी वहां कुछ पंच यूज किए तो कुछ वहां से चले भी गए थे और अदरवाइज जो पीपल थे वहां की जो पब्लिक थी उन्होंने हैंडल कर लिया. वाह, हाँ हाँ, लोग तो बिल्कुल तैयार रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, रिमेनिंग काम लोग कर देते हैं. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको कंप्यूटर और कुछ एप्स वगैरह यूज करने आते हैं? जी सर, सिक्योरिटी ऐप मैंने अच्छे से यूज किया हुआ है. अच्छा अच्छा, आपने जॉब की हो तब किया होगा. हाँ जी हाँ जी. तो आप किस लिए यूज करते हो उन ऐप्स को? सर ये जब हम सिक्योरिटी गार्ड की हमारी जो
ड्यूटी होती है जो पीपल्स एंटर होते हैं वहाँ पे। हाँ ओके, एंट्रेंस के लिए आप जो एप्स जी यूज होते हैं यस सर, उसमें आपको यूज किया, वेरी गुड। यस और मेरे ख्याल से आप मोबाइल यूजर भी होंगे ऑलरेडी। यस सर, तो इसलिए मुझे एप्स यूज करने अच्छे से आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाहते हैं? जी सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड, मेरे को सर पब्लिक की सेवा करूं मैं, और मुझे वर्दी पहननी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे वर्दी पसंद है। ओके, तो मुझे, मैंने पुलिस वाला फॉर्म अप्लाई किया था, ओके, तो कुछ मार्क्सिस की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया एग्ज़ाम, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म अप्लाई किया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मुझे उसमें वर्दी भी पहनने को वेरी मिली गुड, और पीपल्स को सेफ रखने की भी। वेरी गुड। जो आपकी पब्लिक सर्विस है और जो यस आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस है और वर्दीधारी यानी कि कह सकते हैं यस आप, जिससे आपको बहुत लगाव है, यस तो ये तीनों चीज आपको यहाँ मिल गई है विद गुड सैलरीज आल्सो, यस तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ आदमी और पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि अगर आपका पुलिस में नहीं हो रहा, आपको लगा मेरे मार्क्स में कमी है, तो आपने आगे बढ़कर अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए अवेल कर लिया, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है? सर मैं हार्ड वर्क करूं एंड मुझे पीपल्स की जो सेवा करनी काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, और आपकी वीकनेस? वीकनेस सर मुझे हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी, मगर मुझे लगता है सिक्योरिटी जॉब के अंदर कोई वीकनेस इतनी बड़ी नहीं है, ये कोई और वीकनेस आपकी? और तो सर मैं बातें काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। ओके, तो ये थोड़ी सी कमजोरी बड़ी है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर अगर लोगों से बात लग जाएगा तो मुझे लगता है रॉबरी हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि जो आप बता रहे हैं कि आपने गन ट्रेनिंग ली है, तो आपने कभी गन का यूज किया है, कभी चलाई है आपने गन? जी सर। कहाँ? सर कभी यहाँ मतलब लड़ाई हुई थी, तो वहाँ मुझे गन का यूज भी करना पड़ गया था, तो मुझे ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए थी कि पीपल को ना लग जाए कि मैं, ऑर्डिनरी पब्लिक को नहीं लगना चाहिए। यस यस, तो मैंने काफी देख के गन और पिस्टल का यूज तो किया। तो वो सामने वाला जो रॉबर वगैरह जो भी प्रॉब्लम थी जहाँ क्रिएट करी मॉल में किसी ने, तो उनके कहाँ लगी फिर वो गन? सर एक मतलब पैर पे लगी उसके। ओके, तो आपने निशाना ऐसा नहीं साधा कि उसके हार्ट वगैरह पे छू जाए? हाँ जी, उसके बाद जो जितने भी वो गुंडे थे वो चले गए थे, बाद में पुलिस वगैरह आके उन्हें हैंडल कर लिया। ओके, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जी सर, बूट्स। बूट्स बहुत जरूरी है भाई, पेयर ऑफ बूट्स आर वेरी नेसेसरी। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए छोटा सा, डिजिटल कैमरा। वेरी गुड, डिजिटल कैमरा होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए कुछ, एंड फ्लैश लाइटिंग। फ्लैश लाइट बिल्कुल सही है, कब जरूरत पड़ जाए टॉर्च वगैरह की, एंड पेपर स्प्रे। ओके, पेपर स्प्रे यानी कि आप बोल रहे हैं तो बहुत जरूरी है भाई ये भी। ओके, तो यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूंगा भाई, सेल्फ डिफेंस बेल्ट होना चाहिए, और जैसा मैडम ने बताया आपको हैंड गन हो। ओके, और लगभग सारे पॉइंट्स आपने लगभग कवर कर ही दिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, तो मुक्ता मुझे ये बताइए कि व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू? हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स जो आपकी तरह वेट कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो हम आपको ही क्यों लें? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उनसे बेस्ट हूँ जो बाहर मेरी कतार में खड़े हैं, तो वो मेरे से भी बेस्ट हो, बट मैं सर अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ, एंड काफ़ी अच्छे से मैं अपने काम के अनुरूप हूँ, मैं अपना हार्ड वर्क अच्छा से कर सकती। चलिए मान लीजिए इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो? सर मैं ट्राई करूँगी, ट्राई टू ट्राई, एंड अपना रिजल्ट अच्छा रखूँगी। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए कि आपको सैलरी कितनी चाहिए? सर मुझे, मेरे लिए सैलरी मायने नहीं है, क्योंकि मैं अपना वर्क करूँगी, तो मुझे मेरे वर्क के अकॉर्डिंग आप सैलरी अच्छी ही देंगे सर। वेरी गुड। यहाँ पर बहुत से लोगों में भी डिलेमा होगा कि सर ये क्वेश्चन का अगर आंसर हमें भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप बोल सकते हैं कि सर सैलरी इज नॉट द ओनली essential thing for me, job satisfaction and growth opportunities are more important. However, I am sure that if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. इसके अलावा दोस्तों जब जॉब निकली है तो ऑब्वियस है वहां पर सैलरी स्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ होता है, तो आपके कहने और ना कहने से वो कम ज्यादा नहीं करने वाले, तो मुझे लगता है कि ये आंसर मेरा जस्टिफाइड रहेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं सर आई हैव एन एक्सपीरियंस, सो जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, therefore deserves a suitable increase. इसके अलावा भी हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे आप हमारे किसी भी चैनल पर, या तो पीडी क्लासेस वाले चैनल पर या इंटरव्यू गाइड वाले चैनल पर, यदि कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आपको श्योर करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा आंसर दे देंगे आपके कमेंट बॉक्स में ही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो सर गवर्नमेंट, ओके, एंड
सॉरी आपने सही बोला, गवर्नमेंट होते हैं तो ऑब्वियस है प्राइवेट भी होते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते होंगे यस सर, और इन हाउस होते हैं, मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा और वेल डिजाइन कर देता हूँ मेरे बच्चों के लिए। देखिए सबसे पहले तो आर्म्ड और अनआर्म्ड, अब आप आर्म्ड वर्ड समझ गए होंगे कि आर्म्ड का मीनिंग क्या है, विद गन एंड विद पिस्टल्स, और अनआर्म्ड ऑब्वियस है जस्ट ऑपोजिट। दूसरा है प्लेन क्लोथ और यूनिफॉर्म, यानी कि प्लेन क्लोथ में भी मिलते हैं आपको सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप चाहते हैं यूनिफॉर्म तो बिल्कुल यूनिफॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। एक होता है ऑन साइट, ऑन साइट सिक्योरिटी गार्ड, एक होता है रिमोट, REMOTE। इसी तरीके से और भी इनका बाइफर्केशन किया गया, जैसे प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इन हाउस है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स है, तो ये कुछ टाइप्स है, अगर आपको नहीं मालूम तो बिल्कुल आपको करके जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुक्ता आज आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी श्योर, ट्राई कीजिए। आई एम मुक्ता, आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम, मैं अपने नेम के अनुरूप हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ एंड अच्छा कार्य करने में एग्री करती हूँ। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? जी सर, सर मेरी हॉबीज है खुद को फिट रखना, प्लेइंग गेम्स, टाइम के अनुरूप चलना। ओके, तो मींस आप किस तरीके के गेम को खेलनी है? आपने बोला एक तो आपने वॉलीबॉल, हैंडबॉल खेलती है, हैंडबॉल इंटरनेशनल प्लेयर। ओके, और आपने हैंडबॉल के अलावा क्या खेला है? सर मैंने कबड्डी एंड बास्केटबॉल भी प्लेइंग की है। वेरी गुड, तो मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो और पंक्चुअल हो, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 2 years. 2 years का, वेरी गुड, तो मुझे लगता है ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आएगा हमारे पोस्ट के लिए। तो मुझे लगता है इतने अच्छे सिक्योरिटी गार्ड को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर वर्क कीजिए और खूब अच्छा परफॉर्म कीजिए, और जिस तरीके से आपने नॉलेज दिया है मुझे लगता है ये हमारे व्यूवर्स के लिए बेनिफिट रहेगा। कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू रियली।